हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपाल। आज हम सी लैंग्वेज में यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये एक सिंबल्स होते हैं। दीज आर सिंबल्स विच आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मीन्स कि हम कोई भी लॉजिकल काम करते हैं या फिर मैथमेटिकल कोई भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे 2+2, तो प्लस जो है एक ऑपरेटर हो गया। ये होते हैं ऑपरेटर्स। एंड एक्सप्रेशन क्या होता है? ऑपरेशन, ऑपरेटर्स, फंक्शंस, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एक्सप्रेशन। मीन्स हम कुछ कॉन्स्टेंट्स, कुछ वेरिएबल्स, कुछ फंक्शंस एक साथ कंबाइन करते हैं, तो उन सभी को मिलाकर हम एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, x इज इक्वल टू y प्लस z इंटू 10। ये एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर ऑपरेटर्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, कॉन्स्टेंट्स भी हैं, एंड ये रहे हमारे ऑपरेटर्स। ओके, तो जो C के अंदर है, अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, तो हम उसके बारे में देखते हैं। ओके, सबसे पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस, इस तरह के फंक्शन परफॉर्म करने के काम में आते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, जो किसी वैल्यू को असाइन करते हैं। जैसे हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 2, तो जो 2 वैल्यू होती है a को असाइन हो जाती है, तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, जो कंपेयर करता है वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ के बीच में। जैसे a लेस देन b, क्या a वैल्यू जो b की वैल्यू है उससे कम है? इस तरह के ऑपरेटर्स जो होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल, जो लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एंड, और एंड बिटवाइज, जो बिट के ऊपर काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, इस तरह के ऑपरेटर्स बिटवाइज होते हैं। कंडीशनल, जो एक कंडीशन के हिसाब से काम करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक पर्टिकुलर काम करेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो किसी और तरह का काम करेंगे, तो वो होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। उसके बाद आती है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स वो होते हैं जो किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू या तो एक वैल्यू से बढ़ाते हैं या एक वैल्यू से घटाते हैं, इंक्रीज करने या डिक्रीज करने के लिए ओनली बाय 1। मीन्स पहले अगर x की वैल्यू 5 थी, अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी, एंड डिक्रीमेंट लगाते हैं तो 5 से 4 हो जाएगी। स्पेशल ऑपरेटर्स, सी के अंदर कुछ स्पेशल तरह के ऑपरेटर्स हैं, इन जैसे कि एम्परसेंट साइन, जैसे हमने उसमें पढ़ा था स्कैनएफ के अंदर, ये एम्परसेंट साइन एक ऑपरेटर है, इसको हम आगे ढंग से पढ़ेंगे। साइज ऑफ, ये एक वैसे तो फंक्शन है लेकिन फिर भी एक ऑपरेटर की तरह भी काम करता है। इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।